हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से सैमसंग गैलेक्सी M31S जो मोबाइल है उसके अंदर आप ऐप लॉक लगा सकते हैं। इवन किसी भी ऐप लॉक को लगाने के लिए आपको किसी भी सैमसंग के डिवाइस में कैसे ऐप लॉक लगाएंगे, इसका क्या प्रोसेस है, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और आपको इजीली लगा पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी दबा दीजिएगा। नीचे आप देख लीजिए, रेड कलर में लिखेगा, वीडियो के नीचे ही लिखेगा, आपको रेड कलर में दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गैलेक्सी स्टोर पे क्लिक करना है और आपके फ़ोन में ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार दिखेगा, ये आपका ये जो एप्लीकेशन जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला एप्लीकेशन खुद सैमसंग के ही स्टोर पर मिलेगा और ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये रखता नहीं है और ये सिर्फ ऐप सैमसंग वालों के लिए ही होता है। उसके बाद इसको डाउनलोड करना है। चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको फटाफट से। और ये सैमसंग का ही बनाया हुआ ऐप है, चाहे तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए, और इसको काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी यूजलेबल है, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिक्योर है। इसको ओपन करेंगे इसको सेट करने के लिए। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आपका जो पिन है वो इंसर्ट करना है। तो चलिए मैं फटाफट से पिन डाल देता हूँ, 4 डिजिट का। उसके बाद सेम चीज़ दोबारा डालना है और ये आपका पिन सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा ऐप की, कौन कौन से ऐप में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं ऐप का, फेस लॉक, पैटर्न लॉक। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ये वाले ही पासवर्ड और डन कर देता हूँ, फिर से यही वाला पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऐप पिन भी बन गया। अब इस पर क्लिक करके आप अपने ऐप को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले ऐप्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो भी ऐड करना है वो इस पर ऐड करके आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सिक्योर करना चाहता हूँ, जो मेरा काम की चीज़ है, वो है मेरा फ़ोन पे कोई पैसे ना ट्रांसफ़र कर ले। और जैसे कि मेरा ये वाला YT स्टूडियो और ये वाला YouTube, क्योंकि मैं इसको मैं किसी को छूने नहीं देता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ हो गई, ये मैसेज, किसी का भी मैसेज आएगा इसका नोटिफिकेशन भी बंद करके रखिए, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा यहाँ से OTP वगैरह एक्सेस कर सकता है। हालांकि मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मेरा फ़ोन अलग होता है ये सब चीज़ के लिए, वो आपके लिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन फ़ोन पे वगैरह मैं इसमें यूज़ करता हूँ, ये गूगल पे इसको भी यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो भी आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, उन सब पे भी लगा सकते हैं। मैंने टोटल 5 ऐप को यहाँ पर क्लिक किया है ऐड और ये इस पर लॉक लग चुका है, यानी कि लग चुका है इस पर ताला। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पिन देना पड़ेगा। और चलिए, कई लोग बोलते हैं कि भैया हम तो इस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देंगे, तो आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो सिक्योर नाम का एप्लीकेशन, अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपका इसके लिए भी आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा और इस पर से ऐप लॉक भी हट जाएगा। तो ये जो है मेरे को ड्रॉबैक थोड़ा सा देखने को मिला जो इसमें है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि अनइंस्टॉल भी जब करेगा ना, जब उसको स्क्रीन लॉक पता होगा, तो अनइंस्टॉल तो कर नहीं सकता क्योंकि उसको पता होगा कि आपके पास आपको पता है कि उसको दे रहे हो, ठीक है। अब वो अनइंस्टॉल कर नहीं सकता, अनइंस्टॉल करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अनइंस्टॉल किया है और दोबारा लॉक लगा नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप अपना ऐप लॉक लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।